शासन के नियम और नीतियों से नाराज निजी स्कूल संचालकों ने एक दिवसीय अवकाश रखकर 11 सूत्रीय मांगे, समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेशव्यापी इस आंदोलन के चलते स्कूल बंद रखने की अपील की गई थी, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। सुबह से अधिकतर स्कूल खुले, जिसके चलते बंद को समर्थन नहीं मिल सका। दोपहर में ज्ञापन देने पहुंचे स्कूल संचालकों ने बताया कि 25 सितंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो 27 सितंबर को भोपाल में शिक्षा स्वाभिमान रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। संचालकों ने आरोप लगाया कि स्कूल संचालकों के अस्तित्व और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बच्चों के अधिकार की लड़ाई है, सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हम लोगों का जो अभी उद्देश्य है यहाँ पे, वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो हमें सुविधाएं मिलना चाहिए समय से, वो हमें समय पर मिल जाएं, क्योंकि जैसे राजा आदेश देता है, ऐसे राजा का ध्यान जो है वो अपनी प्रजा की तरफ भी वैसे ही होना चाहिए। तो जो हमारी छोटी छोटी सी कई समस्याओं से लंबे समय से स्कूल जूझ रहे हैं, कुछ हमारी परेशानियां जैसे RT को लेकर के है, और साथ में हमारा जो एक थोड़ा सा भेदभावपूर्ण नीति है कि जैसे जो शासकीय स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूटी मिल रही है या उनको 5% आरक्षण मिल रहा है, तो वो फिर हमारे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जो कई अच्छा कर रहे हैं, और उन लोगों को भी वो सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जाए। और हमारी स्कूल की बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं गाँव में, कई छोटे छोटे स्कूल ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे अभी FD की अनिवार्यता कर दी गई है और रजिस्टर्ड किरायानामा कर दिया गया है, जो बहुत हद तक जो है बहुत जिसको देखा जाए उसमें बहुत ज़्यादा खर्च है। तो जो लोग अपने स्तर पर बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके स्कूल चला रहे हैं, बद्याक में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी मदद हो जाए। इसके लिए ये सांकेतिक हड़ताल है, सिर्फ ध्यानाकर्षण के लिए कि हमारा भी ध्यान रखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।